hello everyone good morning today i'm going to teach the students of class 7 i'm going to teach you english grammar the first chapter of english grammar the name of chapter is the sentence and its kinds let's start the chapter first of all डिस्कस वेंटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस क्या है सेंटेंस मीन वाक्य अब पढ़ चुके हैं वाक्य से पहले हम समझते हैं वर्ड्स और वर्ड्स से पहले समझते हैं लेटर लेटर क्या है लेटर जो बेसिक यूनिट होता है अल्फाबेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट्स ए बी सी डी दीज आर द लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट है A, B, C, D, letter, unit, ना वेन बी कम्बाइन टू और मोर लेटर्स जब हम लोग दो या दो से अधिक लेटर को अक्षरों को जोड़ते हैं तो उससे एक वर्ड का फॉर्मेशन होता है न शब्द का निर्माण होता है बट उसको सही क्रम में फॉर्मेशन करना होता है न लाइक बी ओ वाई बॉय इसमें तीन लेटर का फॉर्मेशन किया गया है तो बॉय का मतलब हुआ लड़का और अगर हम इसको वाई बी ओ इस तरह से भी एक वर्ड बन रहा है बट उसका कोई मीनिंग नहीं वो मीनिंगलेस है ठीक उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस में भी अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस अभी मैंने वर्ड्स पढ़ा कि वर्ड्स क्या है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ध्यान से समझेंगे शब्दों का समूह शब्दों का समूह अक्षरों के समूह से क्या बन रहा है वर्ड बन रहा है शब्द बन रहा है और शब्दों के समूह से क्या बन रहा है सेंटेंस लेकिन कब सेंटेंस बनेगा कंडीशन है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस शब्दों का समूह तो है लेकिन इसके साथ साथ उसका जो सेंस है उसका जो मीनिंग है उसका जो मतलब है वो एकदम सार्थक होना चाहिए सेंस फुल होना चाहिए सेंसलेस नहीं होना चाहिए तभी हम उसको सेंटेंस कह पाएंगे दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं A combination ऑफ ग्रुप अ combination और ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का कॉम्बिनेशन कंबाइन जोड़ना या उसका समूह दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग जो हमें एक कंप्लीट पूरा पूरा उसका मतलब बताता है थाउट और आइडिया इज कॉल्ड अ सेंटेंस जो पूरा मतलब समझाता है पूरा विचार को प्रकट करता है ना उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं तीसरी परिभाषा इसी में है अ सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज किसी भी भाषा का जो बेसिक यूनिट होता है ना बेसिक इकाई जो होती है वो सेंटेंस कहलाती है अ कंप्लीट कंप्लीट जो एक complete thought, मैंने बुपर भी चर्चा किया था कंप्लीट थाउट को वो एक्सप्रेस करती है व्याख्यान करती है बताती है इट डज दिस बाई द ग्रामेटिकल बेसिक रूल्स ऑफ द सेंटेक्स और ये कैसे करती है तो ग्रामेटिकल बेसिक रूल के अनुसार और किसके रूल जो सिंटेक्स में सिंटेक्स एक चैप्टर जिसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा एग्जाम्पल को देखते हैं लेट्स सी द एग्जाम्पल्स इज राहुल गुड बॉय यहां पे आप देख पा रहे हैं वन टू थ्री आर्टिकल को काउंट नहीं करते हम लोग फोर फोर यहाँ पे वर्ड्स दिख रहे हैं ये सेंटेंस में चार वर्ड्स का ग्रुप बना हुआ है तो क्या हम इसको सेंटेंस बोलेंगे हमने तो यहां लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप का ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट क्या इसका इज राहुल गुड ए सेंसलेस है लेकिन ठीक उसके नीचे हम देखेंगे राहुल इज अ गुड बॉय राहुल एक अच्छा लड़का है तो हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद भी सेंटेंस नहीं है तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा बट उसका जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए वो सेंटेंस वो शब्दों का समूह तभी हम उसको सेंटेंस कह पाएंगे जैसे हिंदी में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं है ना तो सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए तभी वाक्य बनेगा दूसरा एक्टर अक्षय कुमार फिट इज इसका कोई मतलब नहीं निकल पा रहा आप निकाल के देख लो नहीं निकलेगा ना ये इंट्रोगेटिव है ना अफर्मेटिव है ना नेगेटिव है ये समझ नहीं आ रहा बट जब हम यहां देखते हैं इज अक्षय कुमार फिट एक्टर क्या अक्षय कुमार एक फिट एक्टर है तो ये सेंटेंस बन पा रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ठीक है तो इस तरह से हम सेंटेंस और उसका एग्जाम्पल देख लिए ठीक है आगे बढ़ते हम लोग